नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका। तो आइए शुरुआत करते हैं सुबह की देश प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ। भाजपा ने जारी की उत्तराखंड की 59 विधानसभा से अपने दावेदारी की सूची। नैनीताल से सरिता आर्या, खटीमा से पुष्कर सिंह धामी, भीमताल से राम सिंह केड़ा, तो वहीं कालाडूंगी से बंसीधर भगत को मिला टिकट। हल्द्वानी, लालकुआ और डोईवाला समेत अन्य 11 सीटों पर अभी भाजपा ने अपने उम्मीदवार नहीं किए घोषित। टिकट की कश्मकश में फंसी है पार्टी। अल्मोड़ा से रघुनाथ सिंह चौहान को टिकट ना देकर पार्टी ने पूर्व विधायक कैलाश शर्मा को भाजपा ने मैदान में उतारा है। मशहूर गायक जुबीन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल को मिला चकराता विधानसभा सीट से टिकट। कांग्रेस के प्रीतम सिंह उनके विरुद्ध हैं, जो चकराता विधानसभा में लोकप्रिय नेता है, साथ ही नेता प्रतिपक्ष भी हैं। चुनाव आयोग के सभाओं और रैलियों पर रोक लगाने के बाद भाजपा ने डिजिटल प्रचार करने का आयोजन बनाई है, जिसमें उनके सभी प्रमुख नेता हिस्सेदारी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी लोकप्रियता में अमेरिका प्रेसिडेंट जो बाइडेन को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका की एक डाटा इंटेलिजेंसी फर्म की जारी ग्लोबल रैंकिंग में मोदी पहले स्थान पर है। कोरोना की शुरुआती दौर पे पूरी दुनिया में केरल मॉडल जहां प्रशासन पा रहा था, वहीं अब केरल संक्रमण का हॉटस्पॉट बन गया है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जर जॉर्ज का कहना है कि पहली व दूसरी लहर के विपरीत इस बार संक्रमण शुरुआती दौर में ही बहुत तेजी से फैल रहा है। नए संसद भवन के निर्माण पर 200 करोड़ रुपए की वृद्धि होने के आसार नजर आ रहे हैं। बता दें कि इसके निर्माण के लिए पहले ही 12,000 करोड़ का बजट पास हो चुका है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को 3,47,254 नए कोरोना संक्रमित मिले, साथ ही 2.51 लाख लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन 701 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवा ली है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।